The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. I am Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Today we are going to talk about growth disorders. What is this growth disorder? अगर आपका बच्चा जो है अपने क्लासमेट्स या अपने साथ ग्रो होने वाले बच्चों से छोटा नज़र आ रहा है, उतना अच्छी तरह से ग्रो होते हुए नहीं दिख रहा है, यू आर कंसर्न कि दूसरे बच्चे जो हैं वो लंबे होते जा रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो पीछे रह जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की? और ये काफ़ी सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों के ग्रोथ फेज़ में, विच दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड डील विद, कि कई बार कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ एबनॉर्मल होती हैं। जब हम बात करते हैं फेलियर टू गेन हाइट और वेट इन यंग चिल्ड्रन या शॉर्ट स्टेचर की या डिलेड सेक्शुअल डेवलपमेंट की, तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ डिसऑर्डर में आती हैं। ग्रोथ पैटर्न्स अपने आप में, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्रोथ पैटर्न ही वेरिएबल है और इसमें नॉर्मल चिल्ड्रंस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जल्दी नहीं ग्रो हुआ, एक साथ एग्जैक्ट हाइट नहीं रही तो देयर विल बी अ डिजीज। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, मतलब जो बच्चे अपने एज के लिए स्मॉल लग रहे हैं बट जो नॉर्मल है, जो ग्रोथ के लिए नॉर्मल है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। इसका मतलब क्या है? दे हैव अ डिले इन द बोन एज, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हाइट बढ़ती है आपकी हड्डियों से, हड्डियां बढ़ती हैं तो हाइट बढ़ती हैं, मतलब कि उनके अंदर उनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो थोड़ा यंगर है एज कंपेयर टू अदर्स। बोन एज जो है वो आपके एक्सरे से, आपके हैंड के, आपके रिस्ट के और दूसरे सेम एज के बच्चों के एक्सरे से कंपेयर करके निकाली जाती है। यहाँ पर इनको कोई ग्रोथ डिसऑर्डर नहीं है, इनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है ग्रोथ डिसऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में। दे विल रीच देयर प्यूबर्टी थोड़ा लेटर एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, उनके जो दोस्त लोग हैं उनसे थोड़ा लेट होंगे, उनका सेक्शुअल डेवलपमेंट थोड़ा लेट होगा, प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट थोड़ा लेट होगा, बट वो एक एडल्ट हाइट तक अपने पहुँचेंगे, एडल्ट ग्रोथ तक पहुँचेंगे मगर वो दूसरे से कंपेरिजन में ज़्यादा उम्र तक ग्रो होते रहेंगे। दैट इज जस्ट अ ग्रोथ डीले, नॉट अ ग्रोथ रिडक्शन, ग्रोथ डिसऑर्डर नहीं है, शॉर्ट स्टेचर नहीं है। सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। इसमें जेनेटिक मैटर करता है, दैट इज वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज लेट ब्लूमर। सो इसमें क्या होता है, एक या दोनों पेरेंट्स कभी कभी उनकी हिस्ट्री होती है लेट ब्लूमर्स की, कि इनकी दाढ़ी बहुत लेट आई या बच्चे की हाइट बहुत लेट ग्रो हुई या वट एवर यू कॉल द मार्कर्स। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है शॉर्ट स्टेचर, एक्चुअल शॉर्ट स्टेचर। इसमें कि पेरेंट्स का भी शॉर्ट स्टेचर है, ऑब्वियसली दिस इज अ जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर, पेरेंट्स का शॉर्ट हाइट शॉर्ट कम है और बच्चों की भी हाइट कम आ रही है। नाउ दिस शॉर्ट चिल्ड्रन जो है वो एज कंपेयर टू अदर शॉर्ट महसूस भी होते हैं और उनकी ग्रोथ स्पर्ट फिर भी होगी, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट उतनी नहीं पहुंचेगी जितनी दूसरे बच्चों की है, बल्कि उनके माँ बाप की जितनी हाइट पहुंचती है उतनी ही पहुंच पाएगी। दिस इज काइंड ऑफ अ जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर, कि आपकी जीन्स ही है कि आप 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच पे, 5 फुट पे, 4.5 फुट पे अटक जाओगे। सो दैट इज योर जीन्स, दैट डज नॉट मीन कि आपके अंदर कोई ग्रोथ डिसऑर्डर है। ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट डिले, ग्रोथ डिले और जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर। दोनों चीज़ें जो है बच्चों को सिर्फ समझाना है, री एश्योरेंस चाहिए, कोई बीमारी नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है,
कोई हेल्थ थ्रेट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब आप अगर अपने दूसरे बच्चों से शॉर्ट हैं तब आप थोड़े से अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, यू माइट बी फीलिंग लो, सो यू नीड रीअश्योरेंस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्चुअल ग्रोथ डिसऑर्डर? सी, अगर कोई बीमारी प्रॉपरली ग्रोथ डिसऑर्डर बोलनी है तो दैट मीन्स या तो वो आपके बोन्स, आपकी किडनी, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिजिकल साइंस आने लगते हैं बच्चे को इलनेस के, क्लूज मिलने लगते हैं कि देर इज़ अ डिजीज जहाँ पर पुअर ग्रोथ हो रही है। इसका क्या मतलब? ग्रोथ डिसऑर्डर नंबर वन छोटेपन में ही फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव अपने आप में एक ग्रोथ डिसऑर्डर जैसा नहीं है, लेकिन ये एक अंडरलाइंग डिजीज है जिसके वजह से ग्रोथ डिसऑर्डर हो सकता है। दिस इज अ साइन ऑफ एनर्जी, राइट। ये न्यू बॉर्न्स में होते हैं, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, फेलियर टू थ्राइव है, उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो होगा हमारा। फेलियर टू थ्राइव मतलब बच्चा जो है, इन्फंट है, ये जब पैदा हुआ तब उतना ही उसका एक्सपेक्टेड वेट और उसके साथ साथ जो ग्रोथ होना था, वो वेट गेन और ग्रोथ जो है वो इट्स वेरी लोअर और स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये हो सकता है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, कम न्यूट्रिशन के वजह से या फीडिंग प्रॉब्लम के वजह से। ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स 3 साल के अंदर अंदर ही आती है, और इसका कई सारे कॉमन कॉरंट्स और भी हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बच्चा को निग्लेक्ट किया जा रहा है, फलाना फलाना। दूसरा ग्रोथ डिसऑर्डर है एक्चुअल हार्मोनल प्रॉब्लम, वेयर देयर इज एन एंडोक्राइन डिजीज, जहां पर ये हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर, या तो उनकी डेफिशिएंसी है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, जिसके वजह से आपका बच्चा जो है ग्रो ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन है नहीं। यहाँ पर डैमेज हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि इतना हार्मोन ही नहीं बना पा रहा जितना चाहिए। इसको हाइपो इसका बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक कंडीशन है, जिसके वजह से एंडोक्राइन डिजीज के चलते अगर बच्चे को हाइपोथायरॉयड हुआ तो उसकी ग्रोथ प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रोथ हार्मोन कम होना या थायरॉयड हार्मोन कम होना, ये दो एंडोक्राइन डिजीज ग्रोथ प्रॉब्लम कर सकती है। देन देर इज सम जेनेटिक डिजीजेज लाइक टर्नर सिंड्रोम, जो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर देर इज अ मिसिंग और एबनॉर्मल एक्स क्रोमोजोम। इसमें क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा गर्ल्स में। टर्नर सिंड्रोम यूजुअली डोंट अंडरगो नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट बिकॉज उनके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके ओवरीज जो है मेच्योर ही नहीं होते उतने, तो गर्ल्स के अंदर ही होता है ये टर्नर सिंड्रोम। वेल, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इस प्रकार के होते हैं जेनेटिक ग्रोथ डिसऑर्डर्स। ग्रोथ डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए एक हर एक स्टेप पे इवेल्युएट करना पड़ता है कि बच्चा जो है अगर शॉर्ट है, हाइट बड़ी नहीं है, तो क्या वो हेल्दी है, क्या उसका ग्रोइंग रेट नॉर्मल है, क्या उसके बॉडी में और कोई साइन सिम्टम है। उसके लिए एक पीडियाट्रिशियन या एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसके साइंस देखेंगे, उसकी ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, हाइट वेट चेक करेंगे, उसके साथ ज़रूरत पड़ी तो ब्लड टेस्ट करेंगे, MRI स्कैन करेंगे, बोन स्कैन, बोन एज करेंगे, एक या फिर MRI पिट्यूटरी के लिए किया जा सकता है, हार्मोन्स के लिए टेस्ट किया जा सकता है, बोन्स चेक की जा सकती है, दोज थिंग्स, एंड अल्टीमेटली दे विल कंपेयर एंड टेल यू कि हाँ, इट लुक्स लाइक अ ग्रोथ डिसऑर्डर। अगर ग्रोथ डिसऑर्डर पकड़ में आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन क्या कारण है। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सही वक्त पे सही उम्र में दे दें तो बच्चा नॉर्मल ग्रोथ कर लेगा। सेकंड, हाइपोथायरॉयड है तो फिर थायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट की गोलियां दे दी जाती हैं, जैसे बड़ों को देते हैं, बच्चा वापस ग्रोथ करने लगेगा। सो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि भाई देर आर थिंग्स जो ग्रोथ प्रॉब्लम जो है करेक्टेबल भी हैं, बट देर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, और दूसरा हमने बताया था जेनेटिक ग्रोथ, जो आपकी हाइट शॉर्ट हाइट है वो वैसी रहेगी, जेनेटिकली उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। सो ग्रोथ डिसऑर्डर के बारे में इतनी जानकारी बेसिक सभी को होनी चाहिए, आने वाले पेरेंट्स को, हो चुके पेरेंट्स को, अभी चल रहे पेरेंट्स को और बच्चों को। सो कृपया इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें कि देर इज समथिंग कॉल्ड ऑल दीज थिंग्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। So I hope the concept of growth disorder is clear.
एंड लेटर वी माइट गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ एनी ऑफ दीज डिजीजेस. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, कीप फॉलोइंग द चैनल.